हट क्या माने मैं भी जा एसीएन रुक जा लाइक दे लाइक अरुण अरुण बाइक 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 बुला बाइक ले लो बाइक मंत्र आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे बाइक 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 श्वेता जी माल कट रहे जी बहुत सारी गाड़ी वगैरह भी हुई है जी मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन भी किया जा रहा है हम सभी आज यहाँ पर प्रीमियर के मौके पर थैंक यू क्या कहना चाहिए क्या फील बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि ये फिल्म हमने बहुत ही दिल से मतलब हर फिल्म दिलों मेहनत से बनती है लेकिन इस फिल्म को थोड़ा टाइम लगा आने में क्योंकि अपनी बैटल्स फाइट कर रही थी और फाइनली हमें यूए मिल गया जो कि हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट अभी तक मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हरामखोर इस फ्राइडे 13 वाली है। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम जस्ट होपिंग कि सब हमें सपोर्ट करेंगे। छोटी सी फिल्म है तो आइए देखिए और फिर बताइए आपको कैसी लगी। ये सोचा ही नहीं है क्योंकि मैं इतना कंज्यूम हूँ इससे और ये लोग भी मुझे मार देंगे अगर मैं हरामखोर से कुछ और ज़्यादा शिफ्ट करके बात करूँगी। सो और किसी को कुछ श्वेता जी ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस यू एंड हरामखोर जो जी 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 मतलब मल्टी टैलेंटेड एक्टर का जी 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 क्या कहना चाहिए आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट वी हैव बहुत ज़्यादा मजा आया बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे क्योंकि ये 16 दिन में पूरी पिक्चर फिल्म कंप्लीट हुई है तो मेरे लिए तो वो 16 दिन वॉज लाइक एन एक्टिंग वर्कशॉप तो मैं उनके साथ बार बार काम करना चाहूँगी जी जी प्रेशर से ज़्यादा बहुत दुख होता है क्योंकि जब आप एक बहुत ही अच्छे और साफ इंटेंशन से एक ने ये मूवी पैसे के लिए नहीं की ग्लैमर उसके लिए नहीं किया है हम सब इस प्रोजेक्ट में बहुत बिलीव करते थे तो इसलिए की तो तब बुरा लगता है कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है हम तो एक अच्छी पिक्चर बनाना चाहते थे तो लेकिन अब फाइनली आ गई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा बहुत सारे फेस्टिवल्स में जा चुके हैं जी क्या किरदार को लेकर कॉम्प्लीमेंट मिले एक्चुअली मैं कॉम्प्लीमेंट्स याद करना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि अगर उसमें ही हम कॉम्प्लीमेंट्स में ही रहेंगे तो फिर उसमें ही खो जाएंगे लेकिन मुझे पहला अपना बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है हरामखोर की वजह से और फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल था जिसमें मैं कभी गई थी तो वो मेरे लिए एक बहुत स्पेशल मेमोरी है। वो अपने को एक्टर्स को स्पेस बहुत देते हैं एंड उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं फील कराया कि मैं न्यू कमर हूँ कि मैं फ्रेश हूँ तो इन अ वे वो मेरे लेवल पे आ गए थे और स्पेस और रिस्पेक्ट देना अपने को एक्टर्स को कैसे करना कितनी देनी चाहिए कैसे देनी चाहिए ये मैंने उनसे सीखा। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे रहा था? बहुत ही बढ़िया मतलब मैं ये मेरी एक्चुअली मसान से पहले मैंने हरामखोर की के लिए शूट किया था तो इसलिए ये फिल्म मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। 16 दिन में शूट किया था
ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और एक्चुअली मैंने एक बहुत अर्ली कट भी देखी थी 2-3 साल पहले और मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी और मैं एक्साइटेड हूँ टू सी द फाइनल प्रोडक्ट. I mean, I'm very proud of Shlok for doing this film. Shlok Sharma ek bahut hi acha dost hai mera. He was my AD and Devdi and I've known him obviously for many years. So, I just feel very proud that he's finally got this film out. Any upcoming project of yours you want to share with us? I have a film releasing in March called Mantra or Haramkor. मैम इन द न्यू ईयर के लिए ना महिलाओं के साथ बदसलूकी होती तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? आई एम हियर टू टॉक अबाउट हरामखोर नेक्स्ट. बट एवरी सेलिब्रिटी टू द स्टैंड ऑन, आई हैव टेकन माय स्टैंड ऑन ट्विटर नेक्स्ट. जी या दिस आर इम्पोर्टेंट स्टोरीज टू टेल. थैंक यू.